नमस्कार। आखिर अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिक तालिबान के 80,000 लड़ाकों से कैसे हार गए? आखिर क्या कारण रहा कि अफगान सैनिकों ने तालिबान लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया? ऐसी क्या वजह रही? कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूं कि किन किन कारणों से अफगान सैनिक तालिबान लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया। आइए देखते हैं। अफगानिस्तान के सामने क्यों सरेंडर हो गए अफगान के सैनिक? नोट करिए, उनके 3 लाख सैनिक थे अफगान के और तालिबान के सिर्फ 80,000 लड़ाके। अब देखिए कितना गुना अंतर है। फिर भी तालिबान के लड़ाकों ने 3 लाख अफगान सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। देखिए 20 साल तक चली है जंग, 20 साल तक, 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स में अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर 83 बिलियन, अब आप बिलीव कर सकते हो, 83 बिलियन डॉलर, यानी 6.20 लाख करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में देखे तो खर्च किए थे 20 साल। मतलब अमेरिका ने इतने रुपए खर्च कर लिए सिक्योरिटी फोर्सेस में अफगान सैनिकों पर, फिर भी अफगान सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। व्हाट इज दिस? अगर अपन बात करें तो भारत के रक्षा बजट है ना, उससे 72.9 बिलियन से भी ज्यादा। इट्स सो अमेजिंग। भारत का रक्षा बजट देखिए 72.9 बिलियन, उससे भी ज्यादा खर्च कर दिया अमेरिका ने अफगान सैनिकों के ऊपर, फिर भी रिजल्ट क्या है? जीरो। आखिर क्या कारण रहा? देखिए, अमेरिका के एक सस्ता है पैट्रिक, जो अमेरिका के सुरक्षा मामलों को बहुत ही करीब से देखती है, उसका एनालिसिस करती है और सरकार को रिपोर्ट देती है। उसने कहा था कि 1990 और 1921 के तालिबान में रात दिन का अंतर है। मैं सो डिफरेंस बिटवीन 1990 का तालिबान और 2021 के तालिबान में, मतलब कितना डिफरेंस है देखिए। उसने पैट्रिक जो सस्ता है मेरे को उसने कहा था। अब किस रूप में अंतर है ये देखिए आप। तालिबान अलग है, उसने बिल्कुल कहा था। अभी 2 साल पहले अमेरिका को चेताया था उसने, पहला बताया था कि तालिबान के पास बेहतर उपकरण है। 1990 में जो तालिबान था ना, उसके पास इतने उन्नत उपकरण और उन्नत बंदूकें और गोला बारूद नहीं थे, लेकिन अभी का जो तालिबान है उसके पास उन्नत उपकरण थे। और सबसे बड़ी बात थी तालिबान के अंदर विचारधारा, आक्रामक विचारधारा। तालिबान की जो विचारधारा थी ना, 1990 की विचारधारा से कहीं ज्यादा क्रूर और हाई आक्रामक विचारधारा अभी 2021 की थी। इसका एक उदाहरण अभी मैं आपको बताता हूं। यह विचारधारा खतरनाक क्यों थी देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में अफगान के राष्ट्रपति, आपको पता होगा अभी वर्तमान के अफगान के राष्ट्रपति 15 अगस्त को जब तालिबान ने अफगान पर कब्जा किया था, उससे 2 दिन पहले वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। वह पक गए थे, भगोड़े साबित हो गए थे तालिबान के डर से। क्यों? उनका नाम है अशरफ गनी, इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, ये अशरफ गनी है। ये 2 दिन पहले अपने देश को छोड़ चुके थे तालिबान के खौफ से, और पूरे परिवार सहित यूएई में शरण ले ली, संयुक्त अरब अमीरात में चले गए, वहां उन्होंने शरण ले ली। क्यों ली? उनका अभी लेटेस्ट कल उनका स्टेटमेंट आया, देखिए कल उनका स्टेटमेंट, उनका खौफ देखिए, तालिबान से कितना खौफ है उनका। उन्होंने क्या कहा? उनको डर है, उन्होंने खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, क्योंकि उन्हें डर है। जैसे 1996 में एक वाक्य हुआ था, क्या हुआ था देखिए। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, तब वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह, देखिए पिक्चर आपके सामने है, मोहम्मद नजीबुल्लाह उस वक्त राष्ट्रपति थे, 1996 की बात कर रहा हूं मैं। तब तालिबान ने अफगान के ऊपर कब्जा किया था, तब क्या हुआ था? तब तालिबान ने वहां के राष्ट्रपति को सुरक्षा का भरोसा दिया था
कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे और आपको सम्मान इस देश में रहने देंगे। नजीबुल्ला तालिबान के ऊपर फेंक कर लिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया तालिबान को। और फिर क्या हुआ, चंद घंटों में, देखिए आप, चंद घंटों में फांसी दे दी। और वो फांसी कहां दी, बीच चौराहे पर फांसी दी, काबुल के बीच चौराहे पर। देखिए उनका खौफ देखिए। और सिर्फ फांसी ही नहीं दी, कहते हैं कुछ न्यूज पेपर और कुछ न्यूज एजेंसी में तो ऐसा भी आया था, उनका उनके शव को उतार कर सड़क पर घसीटा गया था और दुनिया में खौफ पैदा किया था तालिबान का कि जो हमसे युद्ध करते हैं ना, जो हमसे लड़ते हैं, उनका हम क्या हस्त्र करते हैं। तो ये खौफ था, यही खौफ अभी वर्तमान के अशरफ गनी राष्ट्रपति को भी था कि यही हालत तालिबान मेरा भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने दो दिन पहले ही देश छोड़ दिया और यूएई में शरण ले ली परिवार सहित। ये विचारधारा और ये खौफ तालिबान का था। सेकंड कारण देखिए, और यही डर अफगान सैनिकों में था। अब देखिए, जो खौफ अशरफ गनी को लग रहा था ना, वही खौफ अफगान सैनिकों के अंदर ही था। अब ये क्यों था और कैसे था मैं बताता हूं। देखिए आपको, तालिबान इसका सोशल मीडिया पर भी प्रचार करता था। क्या कहता था, या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार। तालिबान छोटे छोटे प्रांतों पर कब्जा कर रहा था, अफगान सैनिकों में एक डर बिठा रहा था कि या तो तुम सरेंडर कर लो या मरने के लिए तैयार रहो। जिस दिन हमने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया ना, उस दिन हम अफगान सैनिकों तुमको नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये खौफ तालिबान अफगान सैनिकों के अंदर बैठा रहा था और अफगान सैनिक अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं अमेरिका जब छोड़ के जाएगा ना, हम अकेले रह जाएंगे, तालिबान हमको खत्म कर सकता है। ये एक डर की भावना अफगानिस्तान के सैनिकों में बैठ गई। और आपको बताए, डर अगर डर जिस इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो वो जिंदगी में कभी नहीं जी सकता, वो वहीं खत्म हो जाता है, वो वहीं हार जाता है। और यही डर अफगान सैनिकों को खाया और अफगान सैनिकों ने सरेंडर किया। क्योंकि अगर हम लड़ेंगे और अगर हम हार गए तो हमारा हश्र तालिबान कैसा करेगा, वो जानते थे कि हमें फांसी पर लटकाया जाएगा और सरेआम हमें टॉर्चर किया जाएगा। तो ये डर अफगान सैनिकों को खाया और इसी वजह से उन्होंने सरेंडर किया। थर्ड कारण क्या था, अफगान फोर्सेज में कहते हैं कि काफी भ्रष्टाचार था। अफगान फोर्सेज में भ्रष्टाचार काफी था, काफी पैसे लेन देन इधर उधर किए जा रहे हैं। बेचारे जो सैनिक थे, कहते हैं वो सैनिक निराश थे, उन सैनिकों में एक निराशा थी, रैंक को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर एक निराशा का माहौल उन सैनिकों में था। फिफ्थ कहते हैं, अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई कि काफी दिनों से, काफी महीनों से अफगान सैनिकों को सैलरी नहीं मिली थी, वो एक आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। अब इतने सारे कारण होने के बाद भी कोई सा भी सैनिक कैसे युद्ध करेगा। नंबर वन, उनके खिलाफ एक तो तालिबान का डर बैठा दिया गया था, सेकंड वो आर्थिक रूप से परेशानी में थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी और सेना में कितना बहुत सारा भ्रष्टाचार था, तो आखिर वो कैसे तालिबान से लड़ेंगे और कैसे आगे निकलेंगे। तो आज मैंने आपको ये कारण बताया कि आखिर क्या कारण रहा था कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने, मतलब पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका, चीन, भारत और पूरा विश्व, संयुक्त राष्ट्र संघ भी सदमे में आ गया कि 80,000 लड़ाकों ने 3,00,000 अफगानिस्तान के सैनिकों को कैसे सरेंडर कर दिया। ये इन कारणों से अफगानिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया। इसी के साथ आज ही मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।